हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक और सिंपल क्विक रेसिपी, तड़के वाला रायता या प्लेन रायता, जो बनाने में तो आसान है ही, साथ ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और इंस्टेंट रेसिपी है। तो इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो घर का दही। ये फ्रेश दही है और घर का दही है। मैंने यहाँ पर दही लिया है। दही लेकर अब इसको हम लोग अच्छे से फेंटेंगे। आप चाहो तो इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्लेंडर का भी यूज़ कर सकते हो, या फिर इस तरीके से भी आप इसे फेंट सकते हो। इस तरीके से हमें इसको एकदम अच्छे से फेंटना है। ये रायता बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा जल्दी बनता है। अभी मैंने इसमें पानी डाला है। आपको रायते की कंसिस्टेंसी जैसी रखनी है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें पानी डालना। इसे आप प्लेन राइस, पुलाव, जीरा राइस जिसके साथ चाहे उसके साथ सर्व कर सकते हैं। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंपल नमक यूज़ किया। आप चाहो तो थोड़ा काला नमक भी ऐड कर सकते हो। डालकर मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया है। अब यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करना। मैंने कंसिस्टेंसी मीडियम रखी है। आपको गाढ़ी चाहिए तो थोड़ी कम पानी ऐड करना, आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी ऐड कर सकते हो। अब मैं इसमें लगा रही हूँ तड़का। उसके लिए मैंने तड़का पैन रख के एक स्पून ऑयल डाला है। उसके बाद तड़के की सारी चीज़ें वन बाय वन डाली हूँ, जैसे जीरा, सरसों, सूखी लाल मिर्च, हींग, करिया पत्ती और सूखी लाल मिर्च डालकर अभी मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी। आप चाहो तो 1/4 टीस्पून मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे कलर बहुत अच्छा आता है। अब इस तड़के को मैं डाल रही हूँ दही के ऊपर। उसके बाद इसमें डालूंगी बारीक कटा हरा धनिया। ये रायता पुलाव के साथ ही नहीं, सिंपल खिचड़ी, राइस के साथ भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पीने से भी बहुत अच्छा लगता है। अब आप इसे ठंडा सर्व करो या गर्म, दोनों तरीके से बहुत अच्छा लगता है। अब आप भी इसे ज़रूर ट्राई करो। अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।